अभी आप देख रहे हैं मुरादाबाद शहर की आशियाना फर्स्ट की रोड। आप ये देखिए, अभी पहली बारिश हुई है और अभी ये हालत है। आप देखिए, दोनों एक गाड़ी फंस गई थी, आ गई है जो क्विट खड़ी है उसको निकालने के लिए, दूसरी गाड़ी आई थी और वो भी फंस गई है, और अब हमको क्रेन मंगवानी पड़ी है इस गाड़ियों को निकलवाने के लिए। तो मेरा कहना यही है, अगर आपकी भी गाड़ी कभी कहीं पे फंस जाती है तो आप दूसरी गाड़ी मंगवाने से पहले आपकी जो गाड़ी फंसी हुई है आप उसकी सिचुएशन देखें कि वो आपकी दूसरी गाड़ी खींच सकती है उस गाड़ी को या फिर नहीं, उसके बाद ही आप कोई फैसला लें। अब आप देखिए, अभी तो एक ही बारिश हुई है, अभी ये हालत है आशियाना जैसी लोकेशन की, तो क्या होगा इस मुरादाबाद का। आधे से ज़्यादा टायर हमारा फंस चुका है गाड़ी का। अब देखिए, ये क्रेन आई है, अब क्रेन इस गाड़ी को निकाल रही है। अब देखते हैं कितने आसानी से निकल जाती है या फिर थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। वैसे तो क्रेन के लिए बहुत आम बात है निकालना, बट आप फिर भी देखिए, मतलब चलते चलते गाड़ी धस जा रही है। तो अभी तो एक ही बारिश हुई है इस एरिया में, तो ये हालत है रोडों की। अगर कंटिन्यूस बारिश होगी और अभी बरसात का मौसम आना बाकी है, तो आशियाना ऐसी कॉलोनी का क्या होगा। मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे पहले से गड्ढा बिल्कुल ठीक था, और ये आप देखिए कि एकदम से गाड़ी कितनी ज़्यादा धस चुकी है। तो अभी यहाँ पे ये देखिए, पहली गाड़ी निकल चुकी है सेंट्रो, अब हम दूसरी वाली गाड़ी निकालने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये क्विड है, तो आप देख सकते हैं अगला वाला टायर आधे से ज़्यादा पूरा अंदर धंसा हुआ है। तो अब हम इसको पीछे से हुक कर रहे हैं गाड़ी को। तो अब देखिए, अब हम इसको पीछे खींचेंगे। बस मेरा यही बोलना है कि इन ये जो रोडें सारी खोद के फेंक दी हैं, इनको प्लीज़ ठीक करवा दिया जाए। बस चलने में बहुत दिक्कत आ रही है। एक तो इंसान किसी काम से जा रहा है, अभी वैसे कोविड का टाइम चल रहा है, इंसान जा रहा है किसी काम से और गाड़ी फंस गई, हो गया एक दो घंटे का काम, और इससे गाड़ी ख़राब भी हो सकती है, कहीं से टूट भी सकती है। आप खुद देखिए, अगर चलते चलते गाड़ी ऐसे आधी धंस जाएगी रोड पर, वो भी देखिए बिल्कुल बीच रोड में, ये भी नहीं कहीं कच्ची हो, तो अगर ऐसा रहेगा तो कैसे काम चल रहा है। इस हिसाब से तो रोडों पे चलना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए, अब हम क्रेन से खींच रहे हैं इस गाड़ी को। ये देखिए, ये बाहर आ चुकी है, बट फिर भी आप ये देखिए अगले वाले टायर की कंडीशन देखिए, अब बिल्कुल अंदर घुस चुका था। ठीक है, तब बरसात नहीं हो रही थी, बरसात का मौसम नहीं था, बट अब तो बरसात का मौसम अभी आने वाला है, अभी आया भी नहीं है, तो ये हाल है। आप देखिए इस गाड़ी की वजह से कितना ज़्यादा रोड डैमेज हो चुका है। अब कोई भी गाड़ी यहाँ पे आएगी तो वो फंसनी तय है। तो मतलब ये रोड तो हमारी बेकार हो गई, मतलब एक गाड़ी आई वो फंस गई, रोड बेकार। तो ऐसी कितनी रोज़ एक दो गाड़ी भी फंसेगी तो एक दो हफ्ते में तो हमारा पूरा आशियाना ही हमारा चलने लायक नहीं बचेगा। तो आप खुद ही सोचिए ऐसी रोड्स पे हम कैसे निकाल सकते हैं गाड़ियाँ, कितनी ज़्यादा बेकार हो चुकी है यहाँ की रोड। 20 minutes later ये देखिए, दूसरी गाड़ी है, आधे घंटे बाद का ये सीन है। दूसरी पीछे वाली गली में ये दूसरी गाड़ी फंस गई थी। ऐसा नहीं है कि चलो उस रोड पे तो आप बोल सकते हो गड्ढा था, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी चलते चलते ये देखिए बीच रोड में, और आप रोड की हालत देखिए, पूरा पानी भरा हुआ है, और ये देखिए जो हमारा फ्रेम पे रुकी हुई है इस टाइम ये गाड़ी, और ये फ्रेम नहीं होता तो ये पूरा हमारा बम्पर ही ख़राब हो जाना था। तो आप खुद ही देख सकते हैं रोड की कंडीशंस कितनी बेकार हो चुकी हैं यहाँ पे अब आशियाना कॉलोनी में। सो बस मेरा यही कहना है कि अगर आप आशियाना में रहते हो, यहाँ मुरादाबाद क्षेत्र के आसपास रहते हो, तो ज़रा संभल के निकले हम घर से। ये देखिए अगला वाला टायर देखिए, आप आधे से ज़्यादा अंदर धस चुका है गाड़ी का। अब आप देखिए इसको कैसे निकाला जाए। ये देखिए यहाँ पे एक और गाड़ी फंस चुकी है, तो मैं अभी अपनी गाड़ी साइड में कर रहा हूँ, और ये देखिए आप जैसे यहाँ पे क्रेन देख पा रहे होंगे, तो ये दोबारा से क्रेन आई है दूसरी गाड़ी को निकालने के लिए। सो चलिए थोड़ी हेल्प कर देते हैं हम उन लोगों की। लगता है इस क्रेन वाले को बोलना पड़ेगा, भाई तो अपनी क्रेन यहीं छोड़ जा, यहाँ पे तो अब रोज ही गाड़ी फंसने वाली है। अब जो गाड़ी आ रही है उनमें क्या होता है, जो हुक होता है हमारा टो करने वाला, वो हमारे बम्पर के अंदर ही होता है। पहले क्या होता था, बाहर ही एक हुक रहता था, वहाँ पे हम कुछ भी रस्सी वगैरह बांध के हम गाड़ी को टो कर लेते हैं।
अभी क्या होता है कि बंपर के अंदर ये जो पीस आपको दिखाई दे रहा है इसको हटाएंगे, जब हम इस पीस को हटाएंगे तो यहाँ पर ही एक हमारा हुक अटैच हो जाता है, तो अभी हम इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपकी भी गाड़ी कभी कहीं फंस जाए और आपको हुक यूज करने की जरूरत पड़े तो आप देख लीजिए, आपको बंपर को ही ओपन करके हटाना है और यहाँ से बंपर टूटता बिल्कुल भी नहीं है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं आराम से। चलिए फिर अब इन्फॉर्मेशन के साथ साथ थोड़ा काम कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे ओपन हो नहीं रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके इसको। ये देखिए ये ओपन हो चुका है, अब हम इसमें हुक टाइट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे चूड़ियाँ हैं अंदर कटी हुई, तो ये देखिए ये मैंने हुक है मेरे हाथ में और मैं इसको अब यहाँ पे टाइट कर दूंगा और इसमें फिर हम रस्सी बांध के इस गाड़ी को बाहर खींचेंगे। ये देखिए अभी जो हेड है क्रेन का ये आगे आ रहा है और इसी के थ्रू हम इसको बांध देंगे गाड़ी को और फिर ये जो क्रेन है ये इसको खींचेगी। तो क्रेन का ये भी फायदा है कि इसका जो हेड होता है ये बहुत आगे तक आ जाता है, तो अगर इससे क्या होगा क्रेन फंसने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। अगर कोई ज़्यादा बड़ा ऐसा गड्ढा है कि जहाँ पे क्रेन भी फंस सकती है तो क्रेन बहुत पीछे से ही गाड़ी को खींच सकती है, उसको आगे आने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पहले ऊपर उठा लेते हैं। ये देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गाड़ी का टायर, ये देखिए कितना ज़्यादा फंस चुका है, आधे से ज़्यादा टायर हमारा गाड़ी का इसमें फंस चुका है इस गाड़ी में। पहले ऊपर उठा लेंगे इसको, हैंड इसको ऊपर उठा लें थोड़ा। ऊपर करो करो करो, ऊपर करो, ऊपर ऊपर करो, ऊपर अब खींचो, अब खींचो। या फिर इधर आने दो, बट पीछे वाला ना घुस जाए ना। इधर 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 हैंडल इधर काटो, हाँ काटो। कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट में आ गए यहाँ तो मैं। सीधी कर दो, सीधी 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 सीधी। चलो चलो यार इधर ला, इधर इधर इधर, हाँ चलो चलो वहां तक चौराहे तक पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ। चलो इधर छोटी वहां पर पहुंचती है, ये तो कोई ये चलो बाहर, ये इधर को नहीं ले रहे फिर नहीं नहीं अरे ठीक चलो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, नगर निगम की लापरवाही है, बेहतर तो स्मार्ट सिटी के थे ये लोग कहने के लिए स्मार्ट सिटी। अगर आप लोग भी आशियाना में रहते हैं तो इस नंबर को नोट कर लीजिए, क्योंकि आपकी भी गाड़ी कभी भी फंस सकती है। सुबह वाली गाड़ी ये गाड़ी और अभी वाली ये गाड़ी।